तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया। शुरुआत उन्होंने अपने बजट भाषण की इसी से की। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा जनता ने चुना है, मुश्किल दौर अर्थव्यवस्था का इसका जिक्र करते हुए उन्होंने अपने बजट भाषण की शुरुआत की। लगातार सातवीं बार वो बजट पेश कर रही थी। सरकार का फोकस उन्होंने कहा कि गरीब महिला युवा अन्नदाता पर रहेगा, जॉब्स के अवसर बढ़ेंगे। तो सात बड़ी बातें आपको बता देते हैं जल्दी से क्या क्या रही। सबसे पहले नौकरी पेशा के लिए 1,00,000 रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में दी जाएगी। इसके अलावा किसको क्या मिला उस पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। नई टैक्स रिजीम में 0 से 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। टैक्स में जो बदलाव हुआ है, हालांकि अलग अलग बातें हैं, 3 से 7 लाख वालों को 5% टैक्स। इसके अलावा 7 से 10 लाख तक की आय वालों पर 10% टैक्स। कुछ ऐसी बातें एजुकेशन को लेकर बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों के लिए उन्होंने राहत पैकेज का भी ऐलान किया है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए टैक्स डिडक्शन बढ़कर 75,000 रुपए कर दी गई। पारिवारिक पेंशन में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 25,000 रुपए। तो बड़ी बातें जो इस बार बजट में थी वो यही है। एजुकेशन लोन के लिए भी उनका फोकस रहा है। उन्होंने कहा कि जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी और इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे। साथ ही साथ बिहार और आंध्र प्रदेश का खासतौर पर जिक्र किया गया। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और बिहार को 41,000 करोड़ रुपए की मदद है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी विशेष स्कीमों का ऐलान किया गया है। किसानों पर फोकस करते हुए 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। साथ ही साथ 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड्स भी जारी किए जाएंगे, ये भी इस बार बजट में। युवाओं की बात की जाए तो मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए है और 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वायदा भी इस बजट में किया गया है। बात महिलाओं और लड़कियों की कर लेते हैं। महिलाओं के लिए को भी लाभ पहुंचाने की योजना है, इसमें 3,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। खास तौर पर स्किल प्रोग्राम की शुरुआत भी महिलाओं के लिए की जाएगी। क्या कुछ कहा आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने इस बजट में, बड़ी बातें क्या है एक बार सुनवाते हैं आपको। कमिंग टू पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स, आई हैव 2 अनाउंसमेंट्स टू मेक फॉर दोस ऑप्टिंग फॉर द न्यू टैक्स रिजीम। फर्स्ट, द स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉइज is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. Thus,
टैक्स को लेकर जो बड़ी बात, उसको सुन रहे थे आप वित्त मंत्री को। इसके साथ ही साथ और क्या कुछ कहा आज के बजट की जो बड़ी बात है उसका भी जिक्र कर लेते हैं। हेल्थ सेक्टर की अगर बात की जाए तो कैंसर की दवा पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है, दवा सस्ती होगी। वित्त मंत्री ने अपने इस बजट भाषण में कहा कि मेडिसिन और मेडिकल कैंसर पेशेंट्स को राहत देने के लिए 3 दवाओं पर पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। इसके अलावा एक्सरे ट्यूब्स पर भी ड्यूटी हटाई गई है। उद्योग जगत की अगर बात करें तो उसमें बड़ी बात क्या कही गई है वो भी आपको बता देते हैं, जिसमें वित्त मंत्री ने क्या क्या प्राथमिकता रहेगी उसका जिक्र भी किया। एमएसएमई की अगर बात की जाए, बिजनेस जारी रखने के लिए स्पेशल क्रेडिट प्रोग्राम्स की बात उन्होंने कही है। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़कर 20 लाख रुपए, सब्सिडी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएगी, इसमें 24 ब्रांच इसी साल खोलेंगे। इसके अलावा 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट्स सेटअप के लिए भी मदद दी जाएगी। साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने इसी बजट भाषण में किसको क्या दिया उसका जिक्र भी कर लेते हैं, जिसमें अगर बात करें बिहार के लिए भी और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, दोनों ही राज्यों के लिए पर फोकस बहुत ज्यादा रहा। और बिहार की बात करें तो 26,000 करोड़ और आंध्र प्रदेश 15,000 करोड़ की मदद का ऐलान यहां पर किया गया है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में विकास की बात कही जाएगी। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप के प्रोग्राम का भी ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान करेगी और इसमें 5,000 रुपए प्रति महीना इंटर्नशिप भत्ता दिया जाएगा। बिहार के लिए जो बड़ी बात उन्होंने कही कि बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और सड़क संपर्क परियोजनाओं में विकास में भी सहयोग करेंगे, जिसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर राजमार्ग और बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपए की लागत से 1 अतिरिक्त 2 लेन के पुल भी बनाए जाएंगे। सचिन सिन्हा टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट पेश कर चुकी हैं। टैक्स की नजर से, आम आदमी की नजर से क्या कुछ गुड न्यूज आपको नजर आती है आज के इस बजट में, जरा समझाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस आज तक चैनल। सो आज का जो बजट है अगर आप देखें तो कंपेरेटिवली थोड़ा लंबा बजट था, इन्होंने ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर का भाषण दिया और इसमें जो कवरेज है डायरेक्ट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताई है वो है न्यू टैक्स रिजीम में आपको रेट्स का इन्होंने एक ब्रैकेट जो है टैक्स का वो रिलीफ दिया है। जैसे कि इन्होंने बताया 0 to 3 lakhs के लिए नील, 3 to 7 lakhs के लिए 5%, 7 to 10 lakhs के लिए 10%, 10 से 12 lakhs के लिए 15%, 12 से 15 lakhs के लिए 20% और 15 lakh एंड ऑनवर्ड्स के लिए 30%। अगर मैं इसको कंपेयर करूं पिछले रेट से तो जो न्यू रिजीम में जो रेट थी वो अप टू 3 lakh नील, 3 to 6 lakh 5%, यहाँ पे थोड़ा चेंज किया, पहले 6 lakhs अभी 7 lakhs कर दिए। उसके बाद जो तीसरा ब्रैकेट था 6 to 9 lakhs का वो पहले अभी 7 to 10 lakhs कर दिए है और जो फोर्थ है वो 9 to 12 था पहले, अभी वो 10 to 12 हो गया। इसके बाद बाकी सब कुछ सेम है। सो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो न्यू टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इस बार उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा है कि न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा लोगों ने इंडिविजुअल के केसेस में ज्यादा लोगों ने प्रेफर किया है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि अगर ज्यादा लोग न्यू रिजीम में आते हैं तो उनको ज्यादा टैक्स अट्रैक्शन दिया जाए, इसलिए उन्होंने ये रिलीफ सिर्फ न्यू रिजीम के लिए दिया है। यानी जो टैक्स पेस है, नौकरी पेशा लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनको क्या मिला सरल भाषा में अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो इफेक्टिवली अगर मैं बताऊं कि 15 लाख रुपया तक का किसी का इनकम है तो 17,500 का एक टैक्स बेनिफिट इफेक्टिवली मिल सकता है। तो जो कि एक आम आदमी के लिए 17,500 भी एक मायने रखता है क्योंकि इसके ऊपर फिर एडुकेशन सेल्स भी आएगा, सो इफेक्टिवली वो बढ़ के कहीं 18,500 हो जाएगा। इसके बाद बड़ी बात, किस क्षेत्र को सबसे ज्यादा फायदा मिला है, किस क्षेत्र के लिए बड़ी गुड न्यूज है इस बजट से? इज दिस क्वेश्चन टू मी? हाँ, आप ही से सवाल है क्योंकि सर देखिए एमएसएमई का जिक्र उन्होंने किया है, महिलाओं की बात भी उन्होंने की, टूरिज्म की बात भी की, हर क्षेत्र की बात की है। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा इस बजट में फायदा किसको हुआ है, किसके लिए गुड न्यूज आई है इस बजट से? अगर ओवरऑल एनालिसिस किया जाए बजट का, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्होंने इस बार युवाओं के लिए काफी कुछ लेकर आए हैं। इसके इनके लिए एमएसएमई में भी गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर जो न्यू एम्प्लॉयमेंट होती है उनको हम बेनिफिट देंगे, एम्प्लॉयर्स को भी प्रमोट किया है कि आप न्यू एम्प्लॉयमेंट लेकर आइए। इसके अलावा ई कॉमर्स को भी इन्होंने, ई कॉमर्स में भी बहुत सारे बेनिफिट लेके आ रहे हैं। ई कॉमर्स पार्क भी अलग से बनाने की बात कर रही है जहां पे प्लग एंड प्ले बेनिफिट होगा।
सो जो भी स्टार्टअप एंटिटीज हैं उनको एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता था इनिशियली उसको अवॉइड किया जा सकता है और दे कैन गो इनटू द प्लग एंड प्ले टाइप एनवायरनमेंट एंड वहां पे वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं और जब वो ग्रो करें तो दे कैन स्टार्ट देयर ओन। सो ये मुझे लगता है कि युवाओं के लिए जो है ये सबसे बड़ा ये बजट है और आने वाले 5 साल ये में देखें तो युवा जो जो हमारे युवा वर्ग हैं वो इसको बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट ले और सकते इसी हैं। के साथ साथ हम महिलाओं के विकास की भी बात कर ले, जिसमें 3 लाख करोड़ का जिक्र यहां पर किया गया, और उसके साथ ही साथ वुमेन स्किल प्रोग्राम की बात भी की गई है। यस मैम। सो ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री जी का शुरू से ही ये रहा है कि महिलाओं को आगे आगे लेकर आया जाए और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बजट में इन्होंने जो 3 लाख करोड़ का ये पैकेज महिलाओं के लिए स्पेशली कवर किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर महिलाओं के लिए ये और भी डेफिनेटली जब हम लोग पूरा रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें और भी बेनिफिट्स निकल के मैं एक आएंगे बार पढ़ देती हूँ सर तो वो रिपोर्ट जो आज वित्त मंत्री ने जिसका जिक्र किया है, मैं पढ़ ही देती हूँ, उसके बाद आप उसको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण महिलाओं और छात्रों के लिए खास ध्यान दिया गया है, जिसमें उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए पहली बात हॉस्टल और साथ ही साथ यहाँ पर क्रेश की सुविधा भी उन्होंने कहा है कि उसकी स्थापना भी की जाएगी। इसके अलावा सरकार सर्वाधिक कोष की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इस उपाय से प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को भी मदद मिलेगी। घरेलू संस्थानों में उच्च स्तर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण पर प्रतिवर्ष 1 लाख छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि पर 3% वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई वाउचर्स दिए जाएंगे। एजुकेशन और महिला दोनों को कैटर किया जी। तो अगर आप देखें प्रधानमंत्री जी का जो पहले से भी फोकस रहा है कि एडुकेशन स्किल महिलाओं को आगे लाना युवा वर्ग को आगे लाना इसके लिए उन्होंने हमेशा से काम किया है और इस बार का जो बजट है जो भी आपने बताया कि युवा वर्ग को जो कि छात्र हैं उनको उनको लोन नहीं मिल पाता उनको गवर्नमेंट भी लोन के लिए प्रमोट कर रही है 10 लाख रुपीज का कवरेज दिया है प्लस 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट नहीं ले पाते अगर वो ले पाते हैं तो बाद में इंटरेस्ट रीपेमेंट का कॉस्ट उनके ऊपर बहुत ज्यादा आता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिला है। महिलाओं की बात करें मैं रोक रही हूँ सचिन साढ़े जी, सात लाख आपको चर्चा जारी रखेंगे, रहिए हमारे साथ। लेकिन जरा मार्केट की खबर भी बता देते हैं। आम बजट के बाद शेयर बाजार गिरा है, ये बड़ी खबर आ रही है। वित्त मंत्री ने बजट पेश किया लेकिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है। इस बजट के बाद आम बजट के बाद शेयर बाजार में गिरावट देखी गई है। अब से कुछ ही देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, जिसके बाद शेयर मार्केट में भारी गिरावट। सचिन जी मैम अगर आप देखें तो ये हर बार ऐसा होता है कि जिस दिन बजट आता है जिस समय के लिए बजट होता है उस समय ऑफ कोर्स ये मार्केट में थोड़ा गिरावट रहता है लेकिन ये मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक इनिशियल फेज है मार्केट का। बाद में डेफिनेटली ये कवर करेगा क्योंकि गवर्नमेंट का जो स्की जो जो मैडम निर्मला सीतारमण जी ने इसकी अभी प्रपोजल दिया है इसके अंदर में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है चाहे वो स्टेट वाइज कवर किया जाए। अगर बिहार बिहार के लिए बहुत पैकेज लेकर आ रहे हैं आंध्र प्रदेश के लिए बहुत सारे पैकेज लेकर आ रहे हैं इसके अलावा रोड्स के लिए इनका इनका रेलवे लाइन के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ऑफकोर्स ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का जो फोकस है उसके कारण डेफिनेटली मार्केट रिबाउंड करेगा। ये इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज की आप जिक्र कर रहे हैं और साथ ही साथ आपने जब बिहार की बात कही है तो यहाँ पर एक पैकेज के साथ साथ जैसे नए एक्सप्रेस वेज की भी बात हो रही है, उसके साथ ही साथ उन्होंने वापस से दूसरी बार उसका जिक्र भी किया था जब टूरिज्म वाले सेक्टर की बात हो रही थी कि कैसे उसको डेवलप करना है, तो उसमें भी उन्होंने खासतौर पर राजगीर बोध गया इन दोनों जगहों की स्पेशली बात भी की है। जी अगर आप देखें मैम नालंदा यूनिवर्सिटी का जो जो जीर्णोद्धार हुआ उसके बाद से ही गवर्नमेंट का ये था कि इसको और आगे बढ़ाया जाए और बिहार में इस बार अगर देखा जाए तो बोध गया और गया ये दोनों बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है और अगर इसको प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें डेवलप किया जाए तो काफी रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द टूरिज्म। इसलिए गवर्नमेंट का ये है कि इसको इसको डेवलप किया जाए। सो बोध गया एंड गया मेरे ख्याल से ये आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट में कवर होगा। ये तो बात इसी के साथ टूरिज्म की हुई, साथ ही साथ हमने अभी फिलहाल जब दो राज्यों की बात की है फोकस आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों पर ही रहा है। जी मैम। सो सो
मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना चाहता. चलिए बिना पूछे आपने कह दिया कि गठबंधन की कुछ मजबूरियां होती हैं, पहले से थोड़ा सा प्रेशर था कि आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों ही की तरफ से, और हालांकि इसका ऐलान पहले ही हो गया था कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से भी मिला है, चाहे हम बिहार की बात करें जिसमें 26,000 करोड़ की बात आ रही है, या फिर आंध्र प्रदेश की बात करें 15,000 करोड़ की. आंध्र प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं सर, उसमें बताइए क्या कुछ आंध्र को मिला है. राजधानी के लिए स्पेशल पैकेज की बात कही जा रही है, और यही 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 बात उठ रही थी आंध्र प्रदेश से बार बार कि जब विभाजन हुआ था तो उसके बाद सबसे ज्यादा नुकसान आंध्र प्रदेश को ही हुआ है. करेक्ट. आंध्र प्रदेश का अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश आज के डेट में हमारे हमारे कंट्री का डिजिटल हब या साइबर हब हम लोग उसको कह सकते हैं. गवर्नमेंट का भी फोकस है कि इसको और डेवलप किया जाए, इधर इन केस ऑफ टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट, फाइनेंशियल हब की तरह उसको यूज किया जाए, उनको टूरिज्म की तरह यूज किया जाए. तो ये पैकेज अपार्ट फ्रॉम गठबंधन, दिस पैकेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट पर्पज के लिए, और जो कि मुझे लगता है वो ये ऑलरेडी ड्यू था पहले से, जो इस बार इनको मिला है. ठीक है. एक चीज और कि जब सरकार और जब प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की तरफ से ये कहा जाता है कि 5 ईयर प्लानिंग सरकार की इस बजट में नजर आएगी, पहली बात, और विकसित भारत के रोड मैप की झलक कहीं ना कहीं इस बजट में नजर आएगी, तो उसमें क्या बड़े पॉइंटर्स आपको नजर आए आज के बजट में, इन दोनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए? अगर मैं विकसित भारत की बात करूं तो जो इनका कवरेज था, जो इन्होंने स्टार्टिंग भी किया था, और अगर पिछले बजट इंटरिम बजट से मैं कंपेयर करूं तो इनका गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता, इनके ऊपर फोकस है गवर्नमेंट का. और कवरेज भी अगर आप देखें, इस बार का बजट है वो उसी के ऊपर कवर किया गया है. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑफकोर्स डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरी है, गरीब या युवा की बात करें, रोजगार सबसे इंपॉर्टेंट है उनको. उसके बाद उनका आवास आवास योजना, सड़क योजना, ये सारी चीजें जो बेसिक नेसेसिटीज हैं आज के डेट में, अगर मैं बोलूँ आम आदमी के लिए या बिलो बिलो द पॉवर्टी लाइन जो पीपल्स हैं उनके लिए, गवर्नमेंट ने इन सबको पूरे ध्यान में रखते हुए इस बजट को प्रेजेंट किया है. मैं ये कह सकता हूं कि अगले 5 साल का रोड मैप गवर्नमेंट ने तैयार किया है यहाँ पे. ठीक है. एक बड़ी बात यह भी है कि 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का भी ऐलान किया गया है. 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर भी दिए जाएंगे. इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल अगर आप बता पाए, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 5,000 रुपए हर महीने इंटर्नशिप भत्ता भी दिया जाएगा. ये जो इंटर्नशिप प्लान है, ये आज के डेट में अगर देखा जाए तो लोग, कई सारे ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो जो क्वालिफाई तो कर देते हैं लेकिन उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो पाता, जिसके कारण वो इंडस्ट्री में एक्सेप्टेबल नहीं होते. इसलिए ये 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया है. दूसरी बात है कि बहुत सारे बड़ी कंपनियां, क्योंकि इसमें सिर्फ उन लोगों का कवर किया गया है जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियों के लिए बोला गया कि आप उनको लेंगे, और उसमें गवर्नमेंट भी कुछ कवर देगी. प्लस जो आपका सीएसआर का फंड है उसका भी 10% हम अगर आप यहाँ पे करते हैं तो वो माना जाएगा कि आपका ये यूटिलाइज हुआ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप, जो गवर्नमेंट का था कि कौशल योजना प्लस स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट जब तक तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि आप प्रैक्टिकल चीजों से इनकाउंटर नहीं करते. मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्टेप है कि आपको ट्रेनिंग पर्पस के लिए, और हो सकता है कि वो कंपनियां जो इनको इंटर्नशिप दे रही हैं वही उनको पिक कर लें, या इनको कोई बड़ा एक्सपोजर मिले फ्यूचर के लिए. मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा स्टेप है और इससे रोजगार में बहुत बढ़ोतरी मिल सकती है. और एक और चीज, जो 100 शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क और हब बनाने की बात हो रही है, 12 नए इंडस्ट्रियल हब बनाने का भी जिक्र हो रहा है, क्या इसको भी हम स्किल से ही सीधे तौर पर जोड़ सकते हैं? यस मैम, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया, क्योंकि अगर आज हम अपने अपने युवा वर्ग को यहाँ पे ट्रेंड करते हैं थ्रू इंटर्नशिप, ये इनके पास, इनके आगे के रास्ते खुलते हैं. और अगर इस तरह के जो हमारे टेक्नोलॉजी पार्क और इंडस्ट्रियल पार्क आते हैं तो यहाँ पे ऑफ कोर्स इनको वहां कंज्यूम किया जा सकता है और ये बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज इनके पास एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा 1 साल का. इनका परफॉर्मेंस लेवल डेफिनेटली ज्यादा बेटर होगा और उससे ओवरऑल ग्रोथ में बेनिफिट मिलेगा, नॉट ओनली टू द पर्सन बल्कि इंडस्ट्री को भी ग्रोथ मिलेगा. डिसेंट्रलाइज की बात हमेशा से कही जाती रही कि ये तमाम जो उद्योग है उसको सेंट्रलाइज ना करके डिसेंट्रलाइज करे, और इस बजट में कहीं कहीं ना कहीं उसकी झलक भी नजर आ रही है. इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहेगा? अगर डिसेंट्रलाइज की बात करें तो जैसा हम लोगों ने पहले भी देखा है कि गवर्नमेंट ने कई केसेस में डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशंस को डिसेंट्रलाइज किया है, और गवर्नमेंट उसी चीज पे आगे बढ़ रही है, क्योंकि उन गवर्नमेंट का एक ही फोकस है
प्रोडक्शन आना चाहिए, प्रोडक्शन इन द सेंस आउटपुट निकल के आना चाहिए। अगर आउटपुट प्राइवेट सेक्टर में भी आता है या डिसेंट्रलाइज करने से आउटपुट बढ़ता है सो गवर्नमेंट इज वेरी हैप्पी। और ये मुझे लगता है कि आम जनता की अगर बात करें तो वो भी ये चाहते हैं कि हमें आउटपुट मिलना चाहिए, वो सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है उससे कई बार हम लोग फोकस नहीं करते। आपके सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पे कि प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं और साथ में गवर्नमेंट प्लेयर्स भी, गवर्नमेंट भी है। सो जो नागरिक है वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास ज्यादा पसंद करता है बिकॉज वहां पे उनको एक कमिटमेंट लेवल मिलता है, सर्विस क्वालिटी मिलती है, और इसके इसके कारण मुझे लगता है कि पीपल आर गवर्नमेंट ये चाहती है कि बेस्ट सर्विस ऑफर किया जाए, जिसके कारण ये सब स्टेप्स लिए जा रहे हैं। एक और चीज है कि जो बड़ी प्राथमिकताएं सरकार की थी उसमें खास तौर पर यह कहा गया था कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का जिक्र भी निर्मला सीतारमण ने किया अपने इस बजट में। सो यस मैम, अगर अगर देखिए नेक्स्ट जनरेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये सिर्फ एक एक ऐसा ऐसा ये टर्म नहीं है, इसके इसके पीछे बहुत सारा बैकएंड वर्किंग की जरूरत पड़ती है और उसमें वो सारा स्टेप कवर होता है जैसे कि जो कि गवर्नमेंट एक्चुअली में लेके आना चाहती है, चाहे वो एडुकेशन हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो एग्जीक्यूशन की बात हो, चाहे वो फाइनेंस की बात हो। ये सब चीजों को आप लेकर आएंगे तभी आप नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज आपका मिसिंग होगा, चाहे वो ट्रेनिंग, एडुकेशन, फाइनेंस, तो आप आगे आगे आप अपने जनरेशन आप नेक्स्ट जनरेशन की बात नहीं कर सकते। सो मेरे ख्याल से इस बजट में इन्होंने इन सब को प्रॉपरली कवर किया है और उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया गया। एक चीज और है, जीएसटी को लेकर सबकी नजर उसी पर थी, उस पॉइंटर पर कि उसमें क्या होता है। उन्होंने कहा कि इसमें सुधार की बात उन्होंने कही है, तो किस तरह के सुधार के एक्सपेक्टेशंस हैं? सो मैम, अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो अभी जो जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा कि हम लोग बहुत सारे मेडिसिन्स को बेनिफिट कस्टम ड्यूटी कम कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, ये बहुत ये एक्चुअली में वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये बहुत दिनों से इसकी रिक्वायरमेंट थी और कई सारे फेडरेशन ने इसके ऊपर ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दिया हुआ था कि ये दीज आर ऑल मेडिसिन जिनके ऊपर एक्चुअली में ये आना चाहिए। प्लस अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो ये स्टार्ट जब हुआ था तो सिंपल टैक्स की तरह स्टार्ट हुआ था, बट धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स होता चला गया। सो अभी भी अब गवर्नमेंट को ये लगता है कि इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सो रेट को कम करना एक एंगल है और प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना दूसरा पार्ट है। सो मुझे ऐसा लगता है कि रेट के साथ साथ अगर प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई ये कर रहे हैं, जो कि मैडम ने अपने स्पीच में कहा भी है, सो इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप फॉर ऑल ऑफ अस। एक और पॉइंट था जो कि इस बार फाइनेंस मिनिस्टर की अपनी स्पीच में बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको तवज्जो दी गई है, और वो है अर्बन डेवलपमेंट का। यस, सो अगर अगर मैं बात करूं टीयर वन सिटीज, टीयर टू थ्री, टीयर थ्री सिटीज में, सो टीयर वन सिटीज में ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी है या हो ऑलमोस्ट जो पीपल हैं वो भी कवर्ड है डेवलप करने के लिए। टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में जहां पे कि अर्बन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, सो उनके पास रिसोर्सेस होते हुए भी कई बार वो यूटिलाइज नहीं कर पाते, कई बार उनके पास फंड्स होता है पर रिसोर्स नहीं होते। सो गवर्नमेंट का ये था कि गवर्नमेंट का ये है कि अगर हम लोग इनके ऊपर फोकस करें तो हम यहाँ से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स लेकर आ सकते हैं। सो आई थिंक ये गवर्नमेंट का जो स्टेप है इसके लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि अगर आप टीयर टू टीयर थ्री सिटीज को डेवलप करते हैं तो जो जो वहां से लोगों का जो माइग्रेशन हो रहा है वो भी रुकेगा और उसके कारण आपका उस पर्टिकुलर लोकेलिटी का भी ग्रोथ होगा। बिल्कुल, यानी कि युवा, महिला, हर क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ इस बार वित्त मंत्री ने अपनी बात में रखा है। लेकिन अगर हम मेडिकल क्षेत्र की बात करें तो कुछ ज्यादा उसमें आप अपना ओपिनियन उसमें बताइए, क्योंकि इसमें जो आ रही खबर वो यही है कि कैंसर की दवा पर कस्टम ड्यूटी कम होगी, सस्ती होगी दवा। इसके अलावा 3 दवाओं को पूरी तरह से ड्यूटी हटाई गई है, और साथ ही साथ कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिस पर ड्यूटी घटाई गई है, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत उम्मीदें लगाई जा रही थी कि वित्त मंत्री कुछ ना कुछ जरूर करेंगे इसमें। सो मैम, अगर अगर हम लोग देखें तो आज की रेट में जो मेडिकल कॉस्ट है इंडिया में वो सबसे ज्यादा है, और अगर आप परसेंटेज निकाल के देखें तो जो कैंसर जैसे डिजीज है, कैंसर जैसे डिजीज है जो कि बहुत बहुत कॉस्टली डिजीज है और कई बार तो लोग उसको उसका कॉस्ट भी मीट नहीं कर पाते। अगर इस तरह का बेनिफिट मिलता है, चाहे वो कस्टम ड्यूटी में रिलैक्सेशन देके प्राइस को कम किया जाए या इक्विपमेंट का कॉस्ट को कम किया जाए, सो ये डायरेक्ट बेनिफिट जो जो पेशेंट है उन तक पहुंचेगा। सो एक्चुअली में जो पेशेंट को जो सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली उन तक ये बेनिफिट पहुंचेगा, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और
अगर ये इस तरह का बेनिफिट, अब आज मैं कह सकता हूं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेडिसिन को कवर करना स्टार्ट किया है. अगर ये आगे जाता है तो डेफिनेटली हमारे कंट्री में नहीं, भी जो लेकिन ये तो मेडिसिन, शायद कैंसर दवा तो शायद पहले से भी कवर थी, इसके अलावा और कुछ? हालांकि उन्होंने कहा था कि डिटेल्स अभी और नहीं है, जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं उन्होंने उस बारे में जिक्र किया है. अगर हम, मैं खास तौर पर अगर इसी मेडिकल क्षेत्र की बात करूं, तो कुछ और आप अगर बता पाएं आज के इस बजट में. अगर अभी अभी तक जो मेरे पास जो जो न्यूज है वो वही है जो हमने हमने मैडम को सुना है. अभी हम लोग अभी ड्राफ्ट बिल को रीड आउट करेंगे तो फिर नया चीज निकल के आएगा, बट अभी के लिए तो जो मेडिकल में चाहे वो मेडिसिन हो या इक्विपमेंट्स हो, उसमें बेनिफिट्स मिलते रहे. एक बहुत अच्छी बात उन्होंने और कही है, नेचुरल फार्मिंग का जिक्र किया, उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा. और ये भी कहा कि लक्ष्य है कि 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ना. यस मैम. ये अगर आप देखें तो ये डिमांड पहले से भी चल रही थी कि गवर्नमेंट का फार्मर्स के लिए क्या क्या व्यू है. और इस बार जो जो लास्ट टाइम जो फार्मर्स बिल आया उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको बाद में विड्रॉ किया, फिर बाद गवर्नमेंट का लेकिन इनिशियल स्टेज हमेशा यही रहा है, हमेशा से फोकस यही रहा है कि फार्मर्स के ऊपर फार्मर्स को बेनिफिट दिया जाए. मुझे ऐसा लगता है कि जो जो ये पैकेज है ये दिस विल ऑल्सो जो ये भी बेनिफिट फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए इन्होंने कवर किया है. बड़ी बातें जो इस बार निर्मला सीतारमण, सचिन जी रहिए हमारे साथ. जो बड़ी बातें हैं लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज निर्मला सीतारमण ने अपने इस बजट में क्या कुछ घोषणाएं की हैं, जिसमें 7 बड़ी और अहम बातों का जिक्र किया है. सबसे पहले तो नौकरी वालों के लिए एक जो उन्होंने बात कही वो ये है कि 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए तक की 3 किश्तों में मदद मिलेगी. इसके अलावा एजुकेशन लोन का जिक्र उन्होंने किया है, जिसमें सरकारी योजनाओं के तहत अगर कोई फायदा नहीं मिलता है तो देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा और लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है. बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों के लिए मदद दी है, जिसमें 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को और बिहार को 41,000 करोड़, जिसमें कि अलग अलग हाईवेज का निर्माण होगा और इसके अलावा टूरिस्ट हब बनाए जाएंगे यहां पर भी. और साथ ही साथ अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये कहा गया है कि राजधानी के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान, किसानों के लिए 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्टर पर लाई जाएगी और 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे. युवाओं की बात करें तो मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़कर 20 लाख रुपए और 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वायदा भी है. महिलाओं और लड़कियों की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा फोकस ये था. और इसी पर एक बार सचिन जी एक अपडेट आपसे भी लेना चाहूंगी, क्योंकि महिलाओं की अगर बात की जाए तो उनको फायदा पहुंचाने के लिए भी कई योजनाओं का जिक्र है, जिसमें 3 लाख करोड़ का प्रावधान. और एक तरीके से फोकस इस पर भी है कि जब हम महिलाओं की बात करते हैं, वो किसी भी दूरदराज के इलाके की क्यों ना हो, वहां पर स्किल्ड वर्कर्स जिस पर लगातार फोकस किया जा रहा है, उसमें हम स्पेसिफिकली महिलाओं की अगर बात ना भी करें, ओवरऑल करें, लेकिन यहां पर जोर यह है कि अगर एजुकेट किया जाएगा तो स्किल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. यस मैम. गवर्नमेंट का शुरू से रहा है एडुकेशन फॉर ऑल, और एडुकेशन चाहे वो ग्राउंड लेवल पे, चाहे वो महिलाओं के लिए ग्रामीण लेवल पे हो, वहां पे भी एडुकेशन की जरूरत है, क्योंकि जब जब तक एडुकेशन नहीं होगा तब तक आपका डेवलपमेंट नहीं होगा. इसलिए इसलिए गवर्नमेंट और खास करके और प्रधानमंत्री जी ने अपने अपने भाषण में कई बार कहा हुआ है कि अगर महिला महिला अगर पढ़ी लिखी है तो पूरा परिवार लिखा है. इसलिए उनका शुरू से इनका ये फोकस है कि महिलाओं के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए और स्पेशली एडुकेशन के ऊपर. अगर उनको एडुकेट किया जाता है सो उनका वो अर्निंग हैंड भी बन सकते हैं और वो अपने फैमिली को एडुकेशन के लिए आगे भी बढ़ा सकते हैं और बहुत सारा चीज एडुकेशन के साथ आप ला सकते हैं. एक चीज जिसका हमने भी चर्चा नहीं की वो है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री दी जाएगी. यस मैम. ये बेसिकली सोलर पैनल के थ्रू होगा. ये ऐसा नहीं है कि इसे आपको डायरेक्ट ट्रांसमिट किया जाएगा, सोलर पैनल के थ्रू किया जाएगा. गवर्नमेंट का आइडिया अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट बेनिफिट ये है कि जो सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन होगा उसके ऊपर गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू जनरेट होगा ये आउटकम उसी में से निकलेगा. इसीलिए अगर देखें इन्होंने डेफिसिट बजट तो कवर किया है इसमें, बट दीज आर ऑल फाइन पॉइंट जहां से कि वो इसको निकालना चाहते हैं. और गवर्नमेंट का ये है कि धीरे धीरे हम हमारा इलेक्ट्रिसिटी और के ऊपर से फोकस कम हो गया, हम
अगर हम सेल्फ जनरेटेड पे आ जाए तो इट विल बी बेटर फॉर द इकोनॉमी ऑल्सो। ठीक है, एक बार ये टेबल भी हम जरा फुल फ्रेम लगाकर लाकर दिखा देते हैं। बड़ी बातें और साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन जहां पर टैक्स की बात आ रही है, वो न्यू टैक्स रिजीम में जिस तरीके से बताया गया, आमदनी अगर 0 से 3 लाख है तो 0% है, 3 से 7 लाख है तो 5% है, 7 से 10 लाख है तो 10% है। बेसिकली दायरा जो है वो बढ़ाया गया, 10 से 12 लाख जो कि पहले 9 से 12 लाख हुआ करता था उसमें 15% है, 12 से 15 लाख में 20% है और 15 से ऊपर वालों को 30% के करीब है। अब इसमें क्या कुछ सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, जिस पर जी हाँ सचिन जी बताइए। एक चीज और इन्होंने इस बार जो एडिशन किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 था सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, हाँ, वो इन्होंने बढ़ा के 75,000 कर दिया। बिल्कुल, उसको हम बुलेट में दिखा भी रहे हैं, बुलेट पॉइंट में। और बात हमेशा वही रहती है कि बजट के बाद क्या कुछ सस्ता हुआ, क्या महंगा, इस पर सबसे ज्यादा नजर रहती है। तो सस्ता क्या हुआ वो आपको बता देते हैं, कैंसर की दवा और उससे जुड़े तमाम इक्विपमेंट्स इलाज में जितने काम आते हैं वो, सोना और चांदी। इस पर सचिन जी आपका जवाब चाहूंगी कि सोना और चांदी की कीमतें तो कहा जा रहा है कि इस बार शायद दिवाली तक 1 लाख रुपए के करीब सोना पहुंच जाएगा, लेकिन सस्ते में ये भी आ रहा है प्लैटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज के बजट में दिखाई जा रही है कि सस्ती हुई है। जी सो आपका अनुमान जो अभी आपने बताया कि ये 1 लाख तक पहुंच सकता है, मैं उससे अलग नहीं हूँ, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने चाहे वो गोल्ड के ऊपर भी रेट कम करने की बात की है या प्लेटिनम के ऊपर भी कम करने की बात की है, सो ड्यूटी कम करने की बात की है, सो उससे उनका एक कोशिश है कि थोड़ा इसको मिटिगेट किया जाए। बट जिस तरह से डिमांड की बात करें तो प्राइसिंग जो आप कह रहे हैं मैं उससे अलग नहीं हूँ, ये 1 लाख तक जा सकता है, 1 लाख तक जा सकता है, लेकिन जब इसमें कम की बात आ रही है तो उसमें कहां पर हम कमी देख सकते हैं, सोने और चांदी में स्पेसिफिकली आभूषणों की बात कर लिए। सो ड्यूटी में इन्होंने कुछ बेनिफिट दिया है, वो 6% 6% और 6.5% ऐसे करके दिया है जो कि गोल्ड के लिए एंड प्लेटिनम के लिए है। सो ड्यूटी में फर्क आएगा जो, तो क्वांटम अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी बेनिफिट तो है, प्राइस थोड़ा कम होगा बट चूंकि डिमांड है इसलिए प्राइस बढ़ रही है। अदरवाइज अगर ड्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑफकोर्स ड्यूटी में गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि ड्यूटी कम करके उसको मिटिगेट किया जाए। चलिए सचिन जी रहिए हमारे साथ, हम सीधा चलेंगे, मेरी सहयोगी गुंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बजट की बड़ी बातें बताएंगी गुंजन जी। गुंजन बताइए आज के बजट की बड़ी बातें क्या हैं? बिल्कुल नवजोत, आज के बजट में बहुत कुछ खास है, बजट पूरी तरीके से सेंटर्ड है महिलाओं पर, गरीबों पर, शिक्षा पर, रोजगार पर। क्या कुछ खास है जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, सैलरी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए किया गया है जो पहले 50,000 रुपए था, तो यहाँ थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें नई टैक्स रिजीम में 0 से 3 लाख यानी कि अगर आमदनी नहीं है 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, पहले 2.5 लाख से ऊपर पर टैक्स लगा करता था, 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की इनकम अगर है तो उस पर 5% टैक्स लगेगा, यानी कि थोड़ी सी राहत यहां पर भी दी गई है। 7 लाख से 10 लाख रुपए अगर इनकम है तो करीब 10% टैक्स लगेगा, ये नए टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं। 10 से 12 लाख तक की आय पर 15% का टैक्स लगेगा और 12 लाख से अगर ऊपर की आय होती है तो उस पर टैक्स स्लैब थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम है लेकिन फिर भी राहत है, 20% टैक्स यहां पर लगेगा और 15 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है उस पर करीब करीब 30% टैक्स लगेगा। तो टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है और इसी की सबसे ज्यादा उम्मीद मिडिल क्लास जो था वो लगाकर चल रहा था, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो हर किसी को प्रभावित करता है, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। साथ ही साथ आपको ये भी हम बता देते हैं पूरा टैक्स स्लैब क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 रुपए जो पहले 50,000 हुआ करता था, आमदनी अगर 0 से 3 लाख तक है तो 0% टैक्स लगेगा, 3 से 7 लाख है तो 5%, 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स लगेगा। इसके अलावा 15 लाख से ऊपर की अगर आमदनी है तो 30% टैक्स लगेगा, तो यहां पर बड़ी राहत दी गई है। अगर महिलाओं के लिए बात करें, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में खुद वित्त मंत्री ने कहा था कि सेंटर्ड रहेगा ये गरीबों पर, किसानों पर और महिलाओं पर, उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टल बना सकती हैं, जरिए क्रेच की स्थापना को भी प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि महिलाओं को रोजगार मिल सके, महिलाएं स्वावलंबी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है और वो यहां नजर आता है। महिलाओं और लड़कियों के लिए बजट में 3 लाख करोड़ रुपया स्पेसिफाइड किया गया है कि इतने तक का जो एक अमाउंट है वो महिलाओं
के लिए ही डेडिकेटेड माना जा रहा है। साथ ही साथ मैं युवाओं की बात करूं, रोजगार की बात करूं, तो उस पर भी अच्छा खासा यहां पर बदलाव देखने को मिला है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता पर जोर दिया गया है, किसानों की आय बढ़े, करीब 50% मार्जिन हो, इसका प्रावधान रखा गया है। रोजगार और कौशल पर ध्यान दिया गया है। नए भारत का ये फॉर्मूला है और ये 9 प्राथमिकताएं जो मैं आपको बता रही हूं। मानव संसाधन और सामाजिक न्याय पर भी बजट में फोकस किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, जिस पर लगातार सरकार बात करती हुई आ रही है, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने की बात करती आ रही है, उस पर भी फोकस किया गया है। न्यू स्टार्टअप्स की बात बजट में की गई है और स्टार्टअप्स को ग्रो इंडिया में वो हो पाए, जिसकी कमी देखने को मिलती है, उस पर भी बजट में बात की गई है। इसके अलावा है शहरी विकास, जिस पर अच्छा खासा फोकस इस बार बजट में रहने वाला है। एनर्जी सिक्योरिटी पर भी प्राथमिकता जताई गई है, दिखाई गई है, अलग से इसके लिए प्रावधान है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा, जो एक विजन सरकार देख रही है 2047 के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया गया है। इनोवेशन और रिसर्च, इसकी बात लगातार की जाती है, युवा इससे जुड़े, स्किल डेवलपमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप हो, उस पर भी ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये नए भारत का एक बजट में आउटकम आउट कवर नजर आता है। नेचुरल फार्मिंग पर सरकार खर्च करेगी, किसानों के लिए क्या कुछ है वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूं। नेचुरल फार्मिंग हो, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स लगाए जाएं, उस पर भी सरकार का ध्यान रहेगा और उस पर भी सरकार खर्च करने वाली है। किसानों को अपनी आय में 50% के लगभग मार्जिन हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। कृषि रिसर्च और ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा, बेहतर रिसर्च हो, बेहतर जानकारी हो और पूरे एजुकेशन के साथ अगर फार्मिंग की जाएगी तो किसानों को मुनाफा दूसरा होगा, इसका भी इस बजट में प्रावधान है। दाल और दलहन में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। सरसों, मूंगफली, सनफ्लावर, सोयाबीन पर जोर दिया जाएगा, ये वो क्रॉप्स हैं जिन पर ज्यादा स्पेसिफाइड ध्यान दिया जाएगा। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रा की भी बजट में बात की गई है। तो किसानों के लिए क्या कुछ स्पेशल है ये मैं आपको बता रही हूँ। खेती को आधुनिक बनाने पर लगातार सरकार जोर देती आई है, आधुनिकता को अपनाने की बात करती आई है और उसमें बजट में भी इसको लेकर प्रावधान है। 5 राज्यों में नए किसान कार्ड भी जारी किए जाएंगे, ये भी नई जानकारी दी गई है, बड़ा अपडेट है। साथ ही आपको बता दें, लैंड रजिस्ट्री पर 6 करोड़ किसानों की जानकारी होगी। जो लैंड से जुड़ी रजिस्ट्री है उस पर करीब 6 करोड़ जो किसान है वो रजिस्टर्ड होंगे, ये बात बजट में निर्मला सीतारमण ने कही है। नवजोत, ओवर टू यू। शुक्रिया गुंजन, आपने विस्तार से पॉइंटर्स के हिसाब से हमें समझाया कि आज के बजट की बड़ी बातें क्या रही। 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सचिन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त रुचिका जी जुड़ चुकी हैं। रुचिका जी, आज का बजट, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी कैसा रहा? बेसिकली अगर मैं देखूं ओवरऑल बजट को देखूंगी तो ओवरऑल बजट ठीक है। गवर्नमेंट ने इस बार मुझे लगता है पहली बार कोशिश की है कि सारे एरियाज कवर किए, काफी सारे एरियाज थे जो पहले छूट जाते थे हर बार बजट में। बट हाँ, एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉमन मैन अगर मैं बोलूं तो इसके अंदर कुछ फ्लॉज है। मेन सबसे अच्छी चीज, अगर मैं अच्छी चीज से शुरू करती हूँ तो अच्छी चीज ये है, न्यूज टुडे पर बैठी तो गुड न्यूज से ही शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छी चीज इसके अंदर ये है कि सरकार ने एक कैपिंग लगाई है जो लोग कैपिटल ट्रांजेक्शन करते थे, दैट इज शेयर्स के ऊपर। अगर आप देखें अभी तक क्या हो रहा था, लोग बैंक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, एफडीज नहीं बना रहे थे, ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करते थे मार्केट में। उसकी वजह से लोग एक तरह से कह सकते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस ज्यादा कर रहे थे, तो उस चीज को शायद एक कैपिंग की है सरकार ने इस बार टैक्स बढ़ाकर। कुछ लोगों के लिए अनडाउटेडली ये थोड़ा सा डिस्करेजेस होगा मार्केट में इन्वेस्ट करना, बट अगर आप इन टोटल इकोनॉमी देखेंगे, बड़ा इशू था क्योंकि मार्केट एक्सपोजर ज्यादा होने की वजह से लोगों ने बैंक में पैसा रखना कम कर दिया था। एग्जैक्टली, तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे मार्केट की डेवलपमेंट या इकोनॉमी की डेवलपमेंट में देखेंगे तो कम से कम अब लोग बैंक में पैसा रखना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से जो चर्न आउट होता है मार्केट में मनी वो होना शुरू हो जाएगा। तो एक वो कैपिंग शायद मस्ट भी थी जो सरकार ने इस बार किया। चलिए, ये पहली गुड न्यूज है। इसके अगली, इससे अगली गुड न्यूज तो वुमेन्स के लिए ही है। जो स्टैम्प ड्यूटी उन्होंने कहा है कि कम करेंगे, बट अभी डिस्क्लोजर नहीं है कितनी कम होगी और कितनी होगी, लेट सी क्या होता है इसके अंदर। नहीं, बट उसमें एक बड़ी बात ये भी है कि वुमेन के लिए अलग से पैकेज की भी बात यहाँ पर कही गई और साथ ही साथ देखिए 3 लाख करोड़ की बात यहाँ कही है और वुमेन स्किल प्रोग्राम भी सरकार ला रही है। बिल्कुल, वुमेन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके अलावा क्रच की फैसिलिटी, बहुत अच्छी फैसिलिटीज जो उन्होंने इस बार डिक्लेयर किया। तो अगर आप कहें तो कहीं ना कहीं उन्होंने हर एरिया को कवर करने की कोशिश की है।
अगर ये बजट शुरू से ही हमें पता था कि ये बजट जो है मोर इंक्लाइंड होगा टुवर्ड्स यूथ, हाँ। तो जब मैं यूथ की बात करती हूँ तो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की बात की है, अगर आप देखेंगे उन्होंने ट्रेनिंग सेशंस की बात की है, और अच्छी बात इसके अंदर अगेन ये है कि सीएसआर के अंदर से आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जो आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो एक नई जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छा एक उनके लिए इंसेंटिवाइज है। नहीं, इसीलिए तो बार बार सरकार कह ही रही थी कि ये इसको आप आने वाले 5 साल के लिए फोकस रखिए, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो वो उसके रोड मैप के तौर पर भी हम इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, आप इनिशियल लेवल पे जैसे कुछ चीजों में अगर मैं देखूं जो एक्सपेक्टेड था एक कॉमन लेमैन इंसान के लिए कि शायद इसके अंदर स्लैब रेट जो है उसमें काफी अच्छा चेंज आएगा, बट अगर देखें बहुत अच्छा चेंज तो नहीं है, सिर्फ 3 लाख तक तो अगेन एग्जेम्प्ट है, 3 से 7 था उसको, पहले 3 से 6 था उसको 3 से 7 कर दिया जो लिमिट कर दिया, तो उसके अंदर एक छोटा सा चेंज है, बट हाँ एक ये कह सकते हैं एक शुरुआत हुई है। सचिन जी, उसी एक जो पहली गुड न्यूज जो रुचिका जी ने दी है उस पर शायद हमारी बातचीत रह गई थी, आपका एक रिएक्शन कि बैंकों में अब कम से कम लोग पैसा रखेंगे जो कि मार्केट एक्सपोजर की वजह से मार्केट में ज्यादा आ रहा था और बैंक में कम आ रहा था। जी, मैं रुचिका मैम की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स जिस तरह से गवर्नमेंट ने अभी लेआउट प्रेजेंट किया, अभी प्रपोजल प्रेजेंट किया है, इसमें लोगों के पास बहुत सारे स्कोप हैं जहाँ पे वो इन्वेस्ट करके और अपना ऑफकोर्स फंड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो बैंकिंग में लोगों का थोड़ा रुझान कम हुआ था पहले और वो मार्केट की तरफ आ रहे थे, सो आई कैन से कि हाँ थोड़ा वो इस बजट के बाद उनके उनका उनका जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर होगा और वो थोड़ा माइंडसेट चेंज होगा। बिल्कुल, अब इसके बाद अलग अलग आपने पहली तो ये बात कही, लेकिन वही कल भी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मिडिल क्लास और सैलरी पेशा को क्या मिला, अगर मैं आपसे सरल भाषा समझना चाहूं क्या मिला उनको। सैलरी क्लास की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे हमने एक स्लैब रेट का डिस्कस किया, स्लैब रेट की लिमिट एक्सीड किया, सबसे पहली चीज गुड न्यूज ये थी। गुड न्यूज, सेकंड गुड न्यूज की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है नहीं, ये भी उनके लिए है जिनकी कम सैलरी है। हाँ बिल्कुल, फिर उस अगर 15 से ज्यादा वाले की बात करें 30% स्लैब नहीं आ गया, कोई चेंज नहीं है उसमें, कोई चेंज नहीं, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, बट हाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 से 75,000 रुपए की हो गई है, अगेन इसको कह सकते हैं एक गुड न्यूज है। और नेक्स्ट जो है आप अभी इसके ऊपर बहुत क्लेरिफिकेशन नहीं है, बट अगर आप बच्चों के लिए भी एनपीएस का कंट्रीब्यूशन जो सरकार ने शुरू किया अभी इस पे क्लेरिफिकेशन आएगी तो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि कितना और कैसे है, कितना और कैसे। बट एक जो लिमिट थी 10% वाली उसको 14% बढ़ा दिया सरकार ने एनपीएस की कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। अगेन बेसिकली ये एक आम आदमी के अगर नजरिए से देखे तो यही बेनिफिट मिला आप आम आदमी के कह सकते हैं, स्पेशली जो टैक्स पेयर्स मिडिल क्लास नौकरी पेशा लोग उनके लिए सिर्फ यही है। बिल्कुल, इसके अलावा एमएसएमई पैकेज की भी बात की गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है 12 नए इंडस्ट्रियल हब बनेंगे, 100 शहरों को एक इंडस्ट्रियल पार्क की तरह विकसित किया जाएगा। ये एक हम कह सकते हैं कि वही आने वाले 5 साल के लिए जो योजना बनाई गई है। रुचिका जी, बिल्कुल देखिए अगर मैं देखूं जब मैं बैलेंस बजट की बात करती हूं तो आप इम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहां से करेंगे, इम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम एमएसएमई से करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से करेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एमएसएमई को एडवांटेज आप क्या दे रहे हैं, अगर आप देखें तो एसएच कुछ अलग से एडवांटेज नहीं है, बट उन्होंने एक लॉन्ग टर्म पैकेज दे दिया आपको कि 5 साल तक अगर जिस तरह से आप यहां पे इन्वेस्ट करते हैं या इन्होंने एसईजी या इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क जो बनाएंगे उसके अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे या उसके अंदर आप अपना काम करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, जिसपे क्लैरिफिकेशन अभी आ गया है। तो ये एक बड़ा अच्छा कम से कम एक स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और एमएसएमईज के लिए। यूथ की बात करें सचिन जी, क्योंकि देखिए गुड न्यूज और हम पहले भी यही कह रहे थे कि यूथ को फोकस करके 65% ऑफ युवा है देश में जिनको पूरी तरह से फोकस करके इस बजट में काफी कुछ उनके लिए भी लाया गया है। जी, इसके पहले मैं एक पॉइंट और रुचिका जी के पॉइंट में ऐड करता हूँ, जो एमएसएमई के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट वो क्रेडिट गारंटी स्कीम विदाउट कोलेटरल विदाउट थर्ड पार्टी गारंटी, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि जो न्यू बिजनेस ओनर्स होते हैं उनको कोई लोन नहीं देना चाहता, तो उनके पास ये बहुत चैलेंज होता है कि मैं फंड कहां से लाऊं, मुझे कोई लोन नहीं देगा और कोलेटरल होना है नहीं उनके पास, कोई विंटेज नहीं होता, तो ये सब चीज को कवर करते हुए गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेप है। मुद्रा लोन में भी इन्होंने इंक्रीमेंट किया है, सिडबी को भी के लिए भी इन्होंने बोला कि आप एमएसएमई ब्रांचेस 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया मुद्रा लोन वाली बात की जाए तो। यस यस यस,
सिडबी को भी है कि आप आगे ब्रांचेस न्यू ब्रांचेस ओपन कीजिए जहां पे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लोन दिए जा सके। सो मुझे लगता है कि ई कॉमर्स के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट का, और ये सीधा ये शो करता है कि गवर्नमेंट का जो जो मंशा है वो बिल्कुल इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ये उस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। उसी से तो ज्यादा फिर आपकी इम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, क्योंकि बात यही आ रही थी कि अगर आप 7% की जीडीपी तक पहुंचना चाह रहे हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं एक साल में 80 लाख रोजगार पैदा करने होंगे, और अगर इतने रोजगार चाहिए तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बूस्ट करने की जरूरत है जहां से रोजगार आएंगे। रुचिका जी एग्जैक्टली अगर आप देखें तो एक ये साइकिल का टायर की तरह ना जो घूमता है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करते हैं तो इम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है आप उनको उनका कैश इन हैंड उनके हाथ में ज्यादा देते हैं तो वो मार्केट में पैसा ज्यादा फ्लो करता है, अगेन अगर मार्केट में पैसा फ्लो कर रहा है तो इंडस्ट्री के पास पैसा जा रहा है, तो ये पूरा एक राउंड सर्कल है जिसको गवर्नमेंट ने इस बार कवर करने की कोशिश की है। एक चीज और थी, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रुचिका जी आपको याद हो तो कल भी हम इस मुद्दे को लेकर बात कर रहे थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या कुछ झलक आपको नजर आई है? सरकार की मंशा सही है, कह रही है कि 3 साल तक नए नए इंडस्ट्रियल हब आगे बनाए जाएंगे, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि नई ब्रांचेस खोली जाएंगी, 24 नई ब्रांच इसी साल खुलेंगी सिडबी की अगर मैं बात करूं, और इसके अलावा 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट का सेटअप लगाने में भी सरकार मदद करेगी। बात कही जा रही है नए इंडस्ट्रियल हब और इंडस्ट्रियल पार्क्स की बात हो रही है, लेकिन जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आती है तब उसमें क्या कुछ आपको आज वाले बजट में नजर आया है रुचिका जी? कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उन्होंने सबसे पहली जो एक चीज बताई वो बताई एफडीआई और ओडीआई में अभी तक रिस्ट्रिक्शन थी, हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट लेते हैं वो हमेशा फॉरेन करेंसी में होती है। इस बार ही गवर्नमेंट ने पहली बार ही बोला है कि अब आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो INR में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ी ईज ऑफ कन्वीनियंस है, क्योंकि जब भी हम कन्वर्टेबल करेंसी के अंदर जाते हैं हम हमेशा लॉस पे रहते हैं, तो शायद इस चीज को ध्यान में रख के जो कन्वर्टेबल करेंसी एक्सचेंज का बेनिफिट है जो इंडियंस को नहीं मिल रहा था वो अब मिल पाएगा। बिल्कुल, एक रिएक्शन सचिन जी आपसे भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब बात होती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूं तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक लोगों का थ्रेट है कि अगर इंडिया में कुछ करते हैं तो टैक्सेशन का बहुत इम्प्लीकेशन आता है, सो जो टैक्स रेट को अगर मैं छोड़ू तो जो कंप्लायंस की पार्ट है तो उनमें भी इन्होंने इस बार रिलैक्सेशन करने की कोशिश की है, जैसे कि सेक्शन 148 में जो पहले प्रावधान था कि 3 साल के ऊपर 50 लाख के जो केसेस होंगे वो जाएंगे, तो उन्होंने भी उसको लिमिट कर दिया कि वो 10 साल का जो टेन्योर था उसको घटा के 5 साल कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है, इससे बहुत सारे लिटिगेशन कम हो जाएंगे। सर्च के केसेस में 10 ईयर्स का घटा के इन्होंने 6 साल किया है, ये भी इससे भी बहुत सारे लिटिगेशन कम होंगे। उसके बाद इन्होंने जो जो विवाद से विश्वास स्कीम एक लेकर आने की बात करें 2024, ये भी एक एक देखने की देखना है कि इसमें क्या ये लेकर आना चाहते हैं। इसके अलावा जो जो मैटर जैसे डिपार्टमेंट कोर्ट में जाता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या ITAT हो, उसका भी थ्रेशोल्ड इन्होंने बढ़ा दिया है, और अगर आप वो डिपार्टमेंट जाना चाहता है तो ITAT में जाने के लिए 60 लाख का टैक्स इफेक्ट होना चाहिए, हाई कोर्ट में जाने के लिए 2 करोड़ का टैक्स इफेक्ट होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए 5 करोड़ का टैक्स इफेक्ट होना चाहिए। इससे बहुत सारे लिटिगेशन कम हो जाएंगे, और जब लिटिगेशन कम होगा तो लोगों को अपने आप ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का फ्लेवर दिखेगा। अब बात अगला जो पॉइंटर है वो टूरिज्म को लेकर है, क्योंकि संभावनाएं बहुत हैं, वित्त मंत्री ने आज उसका जिक्र भी किया कि देश में संभावनाएं बहुत हैं और अलग अलग टूरिस्ट हब बनाने की भी बात कही गई है। रुचिका जी अगर आप देखें तो उन्होंने स्पेसिफाई भी किया, काफी सारी ऐसी जगह है जहां पे राजगीर, बोध गया, ओडिशा का जिक्र भी उन्होंने किया है। बिल्कुल, तो काफी सारी ऐसी जगह है इंडिया में शायद जो हिडन प्लेसेस हैं जो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई है। और अगर आप देखें कोरोना के दौरान तो बिल्कुल टूरिज्म बिल्कुल ही बैकलैश पे था, अब अगर देखें तो टूरिज्म को डेवलप करने का शायद सही समय है, और इसी चीज को ध्यान रखते हुए सरकार ने टूरिज्म के ऊपर बेनिफिट्स दिए हैं। इसको भी एक अच्छी खबर के तौर पर हम देख सकते हैं। 1 करोड़ युवाओं के लिए जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो क्या है? CSR के अंदर हर कंपनी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो सरकार ने इस बार उसके अंदर एक एडिशन की है कि अगर आप इंटर्न्स रखते हैं और इंटर्न्स को 5,000 तक की सैलरी देते हैं और शायद 1 टाइम 6,000 रुपीज का इनिशियल पेमेंट है वो अगर आप करते हैं तो ये सारा खर्चा कंपनीज का CSR एक्टिविटीज के अंदर कवर होगा। माने कंपनीज जो CSR के लिए बाहर जाती थी और बाहर किसी और को पैसा देती थी एक्टिविटी करने के लिए, अब वो कंपनीज खुद कर सकती है इंटर्न्स रख के। इससे दो पर्पज सॉल्व होते हैं, एक CSR की यूटिलाइजेशन जो कंपनी सोचती थी कि कहाँ करें, उनके पास एक ऑप्शन है कि वो इनहाउस ही कर सकते हैं। दूसरा जो यूथ है जो सरकार ने इस बार प्रॉमिस किया था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी,
यूथ के लिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। लेकिन इसी के साथ साथ हम जो जिसका जिक्र करते हैं कि यूथ के लिए स्पेसिफिकली बहुत सारे ऐसे स्किल हब्स बनाने की भी जरूरत है, ताकि एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर दिया जाए। उस और कहीं ना कहीं है कुछ इस बजट में क्या? बिल्कुल, इस बार सरकार ने इसमें तीन स्कीम्स निकाली हैं। एक अगर आप देखेंगे फार्मर सेक्टर के अंदर निकाली है, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम अगर आप एम्प्लॉई रखते हैं तो 15,000 तक का बेनिफिट है। सिमिलरली सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इस बार ही, अगेन आप फर्स्ट टाइम अगर एम्प्लॉई रखते हैं तो उसके अंदर बेनिफिट है ईपीएफ बेस्ड, ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड, आपके 4 सालों का तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा इम्प्लॉई सपोर्ट स्कीम निकाली है जो सब सेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें आप सैलरी अगर 1,00,000 रुपए तक की देते हैं तो आप सरकार आपको रीइंबर्समेंट देगी 3,000 रुपए की। तो ये सारी स्कीम्स जो हैं सरकार ने इस बार निकाली है, और अच्छी बात यह है कि सारी स्कीम्स जो हैं ईपीएफ बेस्ड है, तो इसका मतलब आपको ईपीएफ भी मेंटेन करना है अपने एम्प्लॉयज का। और जब हम सस्ते महंगे की बात करते हैं, इसी पर पहले एक बार सचिन जी का रिएक्शन ले लेते हैं। जी सचिन जी, जैसा अभी रुचिका मैम ने भी बताया कि जो जो गवर्नमेंट का जो स्टेप है, अगर हमें इसको देखा जाए तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए या स्किल डेवलपमेंट लाने के लिए दे आर ऑल वेलकम स्टेप। और इसके लिए एंटिटीज जो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ऑफर दिया जा रहा है, अगर आप ये कंप्लायंस करते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और जैसे अभी फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, सो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को ही प्रमोट नहीं करते, एक्सपीरियंस पर्सन को प्रमोट करते हैं। सो फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं बैक स्टेज पे चला जाता है, और जब तक वो आगे नहीं आएगा तब तक उसको सेकंड स्टेज का एक्सपीरियंस नहीं होगा। इसलिए ये वेलकम स्टेप है कि आप इनिशियल स्टेज पे फर्स्ट टाइमर्स को अपॉर्चुनिटी दीजिए, गवर्नमेंट उनको को सपोर्ट भी कर रही है, और ईपीएफओ लिंक्ड होने से ऑफकोर्स ये ईपीएफ का भी कंप्लायंस प्रॉपर होना स्टार्ट हो जाएगा जो ऑलरेडी है, लेकिन अगर इसमें कहीं गैप्स हैं तो वो भी कवर हो जाएंगे। फाइव ईयर प्लानिंग को और विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये पूरा बजट आया है, तो कुल मिलाकर रुचिका जी किस तरीके से आप इस बजट को देखती हैं? क्या हम कहें कि आज अगर हमें राहत नहीं मिल रही तो 5 साल बाद के लिए ये बजट है, ये रिजल्ट हमें वहां पर दिखेगा, क्योंकि तब हम विकसित भारत की भी बात करेंगे वहां? देखिए, एक छोटी सी चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप जब बजट निकालते हैं तो 140 करोड़ जनता है हमारी, हम सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सबसे बड़ी चीज। तो हमारे को एक लक्ष्य अपने सामने रखना पड़ेगा, हमने बजट क्यों निकाला। तो शायद बेस्ट बोले या बैलेंस्ड बोले? बैलेंस्ड बोल सकते हैं, बेस्ट नहीं बोल सकते, बैलेंस्ड बोल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो इकोनॉमी डेवलपमेंट का है, फिजिकल डिफिसिट रिड्यूस करने का है। तो अगर उस लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे तो ये 5 साल मेरे ख्याल से इस बजट को शायद पूरा करेंगे और बैलेंस करेंगे, बैलेंस होगा। सचिन जी, बेस्ट है या बैलेंस्ड है बजट? सो आई कैन से बैलेंस्ड, बैलेंस। सभी वर्ग को ध्यान में रखा गया है, सभी वर्ग को जो जो इंटरिम बजट में इन्होंने बोला था कि हम अगर नेक्स्ट में, हालांकि उस समय भी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम जब नेक्स्ट बजट लाएंगे तो हम उसमें इसको कवर करेंगे, चाहे वो गरीब हो या महिला हो, युवा हो या अन्नदाता हो, उन सबको कवर किया गया, सबको कवर किया गया। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ आने के लिए और बजट की बारीकियों को समझाने के लिए। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश कर दिया है, बजट की बड़ी बातें क्या रही हम आपको बता रहे थे, साथ ही साथ बजट में गुड न्यूज क्या आई है ये भी हमारे खास मेहमानों से हमने जानने की कोशिश की है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज।